अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपीएफ मेंटोर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चंद नई एग्जांपल्स को, और ये फोर्थ वीडियो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कोर्स की, जो कि 2021 कोर्स है। और हाँ, अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल एसपीएफ मेंटोर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी तमाम नई वीडियोज़ मिलती रहें। और हाँ, बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लेट्स स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, अभी ये जो वीडियो है नंबर 4th वीडियो, ये सेम वीडियो है नंबर 3 की तरह, बट क्वेश्चंस डिफरेंट है। और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, आप लोग इन क्वेश्चन पे फोकस करने की कोशिश करें, क्योंकि इन क्वेश्चंस की तादाद जो है आपके नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कोर्स के अंदर ज़्यादा आती है। अभी हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंसेप्ट बताता चलूँ। अभी हमने क्या करना है, इसके अंदर इन ऑप्शंस में से ऐसी पिक्चर लगानी है जो कि बिल्कुल सूटेबल हो और ये फिगर पूरी की पूरी मुकम्मल हो जाए। अभी हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इस साइड वाली ये जो पिक्चर्स हैं ये किस तरह बनी हुई हैं। हम देखेंगे जी कि यहाँ से जो ना पहले 3 लाइन नीचे को आ रही हैं, ठीक है। अभी हम वो 3 लाइनों वाली पिक्चर ढूंढेंगे जो कि एग्जैक्ट हो। अभी हम ऑप्शंस के अंदर देखें तो मोस्ट सूटेबल जो है वो ए है, बी के अंदर भी ये लाइनें यहाँ पे हैं, बट एज़ कम्पेयर टू ए ये सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अगेन वही, अभी हमने अगेन ऑप्शंस में से एक पिक्चर चूज़ करनी है। अगर हम ऑप्शंस पे गौर करें तो हमें यहाँ पे पिक्चर सही लग रही है, जो यहाँ पे लगनी चाहिए वो ऑप्शन ए आ सकता है या फिर ऑप्शन ई आ सकता है, बट अभी हमने ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा सही रहेगा, ई सही रहेगी या फिर ए सही रहेगी। अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे इस तरह पिक्चर बनेगी, ठीक है, इस तरह करके, और यहाँ पर हल्का सा आएगा, हल्का सा, ठीक है, जो कि ऑप्शन ई के अंदर है सिर्फ। सो ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन है जी, अगेन हमने यहाँ पे एक पिक्चर चूज़ करनी है इन ऑप्शंस में से। अगर अभी हम देखें इनको गौर से, एक लाइन ऐसी आ रही है, डबल लाइन एक ऐसी जा रही है, फिर इधर से डबल लाइन आ रही हैं। अभी हमने सेम इसी को फॉलो करते हुए ऑप्शन में से चूज़ करना है। अगर हम ऑप्शन को देखें, ऑप्शन बी इज़ द मोस्ट सूटेबल आंसर, सो ऑप्शन बी को हम चूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, ये क्वेश्चन मार्क्स हैं। अभी हमने देखा कि यहाँ तक जो है हल्का सा क्वेश्चन मार्क का हिस्सा है। अभी बाकी हमने इन ऑप्शन में से चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही रहेगा जो यहाँ पे आ जाए। अगर अभी अगर हम देखें तो ऑप्शन ए के अंदर ये सिमिलैरिटी है कि यहाँ पर हम इसको लगा सकें, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अभी यहाँ पे अगेन मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट देता हूँ। इसको आपने करने के लिए क्या है कि एक सर्कल्स बने हुए हैं, ठीक। अभी ये हाफ सर्कल है, अभी हमने सर्कल कंप्लीट करना है, और साइड में ये जो बॉक्स बने हैं ये भी कंप्लीट करना है, ठीक है। इस साइड भी सेम सिमिलैरिटी है। अभी इस तरह की हम पिक्चर चूज़ करेंगे, तो अगर हम इस तरह की पिक्चर्स को देखें तो ऑप्शन ए के अंदर हमें ये सिमिलैरिटी आ रही है नज़र सारी की सारी, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जी, स्टार्स हैं, बट यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हल्का सा स्टार भी पेंडिंग है इस तरह करके, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी ऐसे होगा, तो अभी हम इस ऑप्शन को अगर देखते हुए देखेंगे तो हमें नज़र आएगा यहाँ पे हाफ स्टार होना चाहिए, ठीक है। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए सिमिलर हैं, बट अभी हम चूज़ करेंगे ऑप्शन ए आएगा कि ऑप्शन सी आएगा। अगर हम देखें कि यहाँ पे जो है ना हल्का सा ये वाला हिस्सा स्टार बन, इतना ही सी इसकी टांग है स्टार की, बट हल्की सी नहीं है यहाँ से, ठीक है। सो अगर हम देखें ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में ज़्यादा है बट ऑप्शन सी में थोड़ी सी है, तो थोड़ी सी हम चूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी बनती है, हल्की सी, स्लाइटली सी है, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन ये कुछ रेक्टेंगल्स की बनी हुई है टेढ़ी सी, इनको अब हम देखेंगे हल करने की कोशिश करेंगे, एक ऐसे आएगी फिर एक ऐसे आएगी, ठीक है। अगर हम इसके हिसाब से देखें तो हमें ऑप्शन सी में ये क्लियरनेस आ रही है, तो ऑप्शन सी हम चूज़ करेंगे, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन सर्कल्स हैं और सर्कल यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे हल्का सा सर्कल ने ख़त्म है, यहाँ पे हाफ मिस है, यहाँ पे भी हाफ मिस है, यहाँ पे पूरे का पूरा सर्कल मिस है और यहाँ पे पूरे का पूरा अगेन सर्कल मिस है। अभी हम इन ऑप्शन को अगर देखें तो ऑप्शन सी के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं जो कि यहाँ पे होनी चाहिए। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या जी, अगेन के यहाँ पे एक फाई सी बनी हुई है, फिजिक्स में एक अलावा यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं फाई, से उसकी सिमिलर है, ठीक है। अभी इस लाइन को अगर हम गौर से देखें कि ये लाइन के अंदर क्या है, यहाँ पे भी हाफ मिस हुआ है, ठीक है, और ये इस तरह लाइन भी चल रही है और यहाँ पे भी एक आएगा इस तरह का। सो अगर हम इन ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन ई के अंदर ये चीज़ आ रही है, सो ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट लेजी जेंटलमैन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को तमाम क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को किसी भी किस्म की समझ नहीं आती तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ये एकेडमी का फ़ोन नंबर है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं shinbazstatysingh@gmail.com पे। इसके अलावा जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को बस सब्सक्राइब करें और विज़िट करें ताकि आपको हमारी तमाम नई वीडियोस मिलती रहें। और इन तमाम कोर्सेज जो यहाँ पे भी मेंशन हैं इस साइट के अंदर, इन तमाम कोर्सेज की तैयारी के लिए लड़के और लड़कियों दोनों के लिए अलग क्लासेस के साथ बाकायदा क्लासेज जारी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेस पर तमाम स्टूडेंट्स से कंप्यूटर के ऊपर आर्मी नेवी एयरफोर्स कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पैटर्न के मुताबिक डेली बेस पर टेस्ट लिए जाते हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है आर्मी फोर्सेज में अप्लाई करने के लिए तो हम लोगों से कोचिंग ले सकता है। थैंक यू सो मच।